नमस्ते, सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 22nd, हाँ 22nd, क्योंकि कल है 23rd होली। तो आज होने वाला है होली का दहन। अभी हम जाएंगे थोड़े टाइम में नीचे। तो आज के ये व्लॉग है स्पेशली होली व्लॉग। आप सबको टाइटल से पता ही चल गया रहेगा। सबसे पहले सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी ने होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की हो, क्योंकि जब तक ये ब्लॉग देखोगे तब तक तो होली होली होगी। तो आप सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट किया हो, खाया हो, पिया हो, गुलाल किया हो, रंग जो भी जैसे भी आप सेलिब्रेट करते हो बहुत ही अच्छे से किया हो। एंड ऑल्सो होपिंग आपने अपने सेलिब्रेशन के बीच में स्ट्रीट एनिमल्स को नहीं किया रहे, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती है। बेट काओ, कैट्स, डॉग्स, कोई भी रहे, जो भी गोट, ये सब जो भी स्ट्रीट एनिमल रहते हैं, क्योंकि बहुत वीडियोज आते रहते हैं, मस्ती मजाक में लोग उनको घसीट लेते हैं, अबीर लगा देते हैं, कलर लगा लेते हैं। हम तो नहा के हम नॉर्मल हो जाते हैं, मगर उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है और उनको उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत बीमारियां भी हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो बस प्रेइंग कि आप सब भी जितने भी एटलीस्ट मेरे को देख रहे हैं उन लोग में से किसने ये नहीं किया हो तो बताइए। आप कमेंट करके अभी बता दीजिए आपका होली कैसा गया, मेरा कैसा गया, वो आपको दिखेगा इस ब्लॉग में आगे चल के। अभी बस थोड़े टाइम में हम जा रहे हैं नीचे होलिका दहन के लिए, एंड फिर कल अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। इस टाइम अभी तक कुछ ऐसा है नहीं, होलिका तो ऐसे भी कुछ नहीं रहता, बस मिलते हैं और कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो आप लोग बताइए फिर आप लोग का कैसा प्रिपरेशन चल रहा है होली का, और जो होली नहीं मना रहे हैं, जो रमजान सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग भी बताइए आपका रमजान कैसे चल रहा है। 12-13 दिन हो गए, आई गेस 13th या 14th दिन, मेरे को ध्यान नहीं है, मगर आधा ऑलमोस्ट चला गया। कैसे टाइम बीत रहा है वो भी नहीं पता चल रहा है। तो चलिए अभी हम चलते हैं नीचे, उसके पहले कपड़े चेंज कर लेते, क्योंकि आज भी जो भी मिलेगा कोई ना कोई तो कलर लगाएगा लगाएगा, तो हम वो चेंज कर लेते हैं। उसके लिए मेरे को चाहिए मेरी व्हाइट टी शर्ट, जो कि मम्मी ने रखा, और मम्मी को मेरे को पता है नहीं देगी, क्योंकि बोलेगी क्यों कपड़े ख़राब कर रहा है व्हाइट कलर के। वो एक्चुअल में टी शर्ट ऑलरेडी ख़राब है, मगर मम्मी इसको पोछा बनाएगी ना, मेरे होली नहीं खेलने देगी, होली के बाद भी तो बना सकते। चले मम्मी से वो टी शर्ट लेते पहले। नमस्कार। नमस्कार, लग रहा है वोट मांगने आई हो। तो तू भी तो ऐसे कर रहा है जैसे नेताजी के घर पे आए हैं। वो छोड़ो, मेरा व्हाइट टी शर्ट दे दो। कौन सा व्हाइट टी शर्ट? हाफ स्लीव्स वाला। अरे दोनों होली खेलने के लिए। तो अभी खेलेगा क्या भैया? अरे तो अभी पहन लेंगे ना, अभी कोई ना कोई तो नीचे रंग लगा ही देगा अभी अभी थोड़ा सा। कौन लगाएगा अभी इतनी रात को? कौन लगाता है अभी इतनी रात को? क्या अभी शाम हुआ है, होली का दहन है, आज तो दहन है। हाँ तो थोड़ा तो अभी लग ही जाता है। दो निकाल के जल्दी। मेरा टी शर्ट अभी देखो, मैं बोला था ना नहीं देंगी, किच किच कर रही है देखो। अरे अरे वो मगर, अरे मेरा टी शर्ट होली के लिए चाहूंगी, वो पहनने के लिए मैं रखी हूँ ना। निकाल के दो टी शर्ट, मस्ती मत करो। बहुत नहीं नहीं, वो वाला वो व्हाइट वाला टी शर्ट ही चाहिए हमको, हम होली के लिए रखे थे यार मम्मी वो टी शर्ट। उससे बुरा 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 टी शर्ट की बात नहीं, हम वो होली के लिए रखे थे टी शर्ट। तेरा ना ज्यादा ही होता है। एक तो तुम अपने अलमारी में मेरा टी शर्ट रखी क्यों, हमको वो नहीं समझ में आ रहा है। ये बताएं अभी क्या कर रहे हैं? उस दिन भी मेरे को ब्लैक टी शर्ट चाहिए था, मैं अपना अलमारी ढूंढ लिया, नहीं मिला, इनके अलमारी से निकला हुआ व्हाइट टी शर्ट। मारो आप लोग, ब्लैक टी शर्ट मारो, ये बहुत दुष्ट है। नहीं नहीं, उस दिन भी ब्लैक टी शर्ट तुम्हारे अलमारी में से ही निकला था मेरा। हाँ तो और व्हाइट वाला भी वो खराब भी नहीं था, ये देखो मिल गया। अरे वैसे भी, अरे खराब हो गया मम्मी देखो, एक तो मैंने ये जला दिया था इसका, और ये देखिए ऐसा नहीं कि ये नया टी शर्ट है, काफी ऑलरेडी गंदा है टी शर्ट। मेरे को पता नहीं मैं इस पे क्या खा के गिराया हूँ, और ये पान वान नहीं, मेरे को जहाँ तक मेरे को लग रहा है मैं रामेन खा रहा था एक बार, तो ये हॉट सॉस गिर गया था पूरे मेरे टी शर्ट पे, तो वो है। तो ये ऑलरेडी गंदा है, होली के लिए बेस्ट है। और ये रहा ब्लैक ट्रैक, और मैंने लास्ट टाइम भी यही होली पे पहना था। और ये ब्लैक ट्रैक का एक चीज़ अच्छा रहता है, धो दो और गुलाल से ही खेलते तो गुलाल निकल जाता है, वापस नॉर्मल हो जाता है पुराने से, पता ही नहीं चलता कि होली खेला गया। तो ये रखा था, मैं कहा चलो इस साल भी इससे खेल लेते हम। तो चलिए टी शर्ट पहन लो, ये पहनते फिर जाते नीचे होली का दहन करते हैं। आज का पता नहीं, आज कुछ आज श्योर भी नहीं, कलर लगेगा कि नहीं, गुलाल या कुछ लगेगा कि नहीं, कल होने वाला है। तो चलते हैं। अब निकल गया तो हैप्पी होली, हैप्पी होली। हम लोग का फर्स्ट राउंड ऑफ होली हो भी गए, कुछ ऐसी शक्लें हैं। आ रही है सही से? और इसका आइडिया था कांदिया ले जाके तीन दोस्तों को रंगने का, रंग दिए, इन प्रोसेस हम भी थोड़े रंग गए। और अभी अभी आ रहा है, तुम सोचो उसको भी रंग दे क्या? निकालो निकालो, जेब में भर लो पहले ही ना, भरी देते ना।
तो उसको भी भर देते हैं, फिर कल तो खेलेंगे, उसके बाद घर जाके नहाना पड़ेगा यार। फिर इसके वजह से मैं अच्छा खादा बोल रहा था, आज चिल करते कल खेलते हैं। नहीं भाई को आज ही होली खेलनी थी। होली चालू ना भाई, होली का जल गया, होली चालू खेलेंगे ही, रिचुअल है तो रात से चालू करने का। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे होली डे और मॉर्निंग क्या, ये देखिए टाइम, मेरे को उतरना था 10:30 और मैं उठा ही नहीं, सोता रह गया। अभी थोड़े टाइम पहले ही उठा हूँ मैं, तो चलिए फटाफट रेडी हो गया। रेडी क्या, वही कल वाले कपड़े पहन लिया हूँ, नहाना तो था नहीं, आके नहाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं, थोड़ा नीचे होली सेलिब्रेट करते हैं। मेरे को पता ही नहीं कौन क्या सीन होने वाला है आज का, कौन आ रहा है मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। अंकित है बस, अबू नहीं आ रही है क्योंकि उसके डैड हॉस्पिटलाइज थे, वो कल ही घर आए तो इसलिए वो नहीं आ रही है इस टाइम, वो सेलिब्रेट नहीं कर रही है। बाकी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा होली सेलिब्रेट करते हैं। एंड वंस अगेन आप सभी को हैप्पी होली, आई होप आप सब ने अच्छे से सेलिब्रेट किया। ये थोड़े और गुलाल ये भी रख लेते हैं, लेट्स गो। होली डन गाइस, ये हालत हो चुकी है कुछ ऐसी। अब बस घर पे जाऊंगा, नहाऊंगा, खाऊंगा एंड सो जाऊंगा मैं, क्योंकि होली खेलने के बाद नींद तो बहुत आती, थकान बहुत हो जाती है, स्पेशली अभी ये सब कलर के वजह से भी थकान होती है। तो चलिए चलते हैं, थक गया हूँ, नहा लिया हूँ, 1 घंटे नहाया हूँ, उसके बाद भी कलर नहीं छूट रहा है। अबीर खेल रहे थे अपेरेंटली, हम लोग में से जैसे मैं कितने तो हर्बल लिया था, तो हम लोग 5-6 लोग थे, उसमें से किसी एक ने हर्बल गुलाल नहीं लाया और उसकी वजह से निकल नहीं रहा है। मतलब फेस पे तो मैं बहुत घिसा हूँ, मतलब मेरा फेस जल रहा है, इसलिए मैं था अब बहुत हो गया। तो पूरा भी ये आप लोगों को दिख नहीं रहेगा, ये अंदर तो पूरा कलर्ड, ऐसा लग रहा था पक्के कलर से खेल के आया हूँ। जब बचपन में खेलते थे ना, वाली फीलिंग आ रही थी कितने साल बाद की पक्का कलर हो गया, ये गुलाल था बस। जिसने भी हर्बल नहीं लाया था ना, उसकी वजह से ये हालत हो गया। और अभी जैसे मेरे को अंकित का भी मैसेज आया, उसने भी फोटो भेजा, बोलता भाई निकल नहीं रहा है, मेरा भी नहीं निकल रहा है फेस ही। मतलब मैं बहुत देर, मेरे को लिटरली 1 घंटा लगा मैं कैसे कैसे करके, तो भी मेरा फेस एकदम बर्न जैसा हो रहा है। कोई नहीं, थोड़ा तेल लगा लूँगा, पैराशूट ऑयल लगा लूँगा, मॉइस्चराइजर लगा लूँगा, फिर रात को एक शाम को और 1-2 बार फेस वॉश करूँगा तो हो जाएगा होपफुली। तो आप सबको दिख ही रहा रहेगा, देखो यहाँ पूरा ये देखो, और ये तो बहुत घिसने के बाद हुआ है, ये पूरा बॉडी में, यहाँ पीठ वीठ तो पूरी लाल पीली हो ही चुकी, पीली नहीं हरी, वॉयलेट और लाल, ये 3 गुलाल किसने लाया था। तो चलो कोई नहीं, हो गया होली, मज़ा आ गया, और होली में होता रहता है। अभी बस खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मिलते हैं उसके बाद। भाग यहाँ से। हैप्पी होली 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 होली, ठीक है ना, हमारी होली चलती है। कौन सा तुम्हारा, तुम्हारा अलग होली आता है। हाँ। मुंह देखेगा इस। सूजा नहीं बोलते, वो मोटी है, यहाँ से तो एकदम डबल चिन भी वैसा करके बड़ा तो सा से लो ना, गंदे से। ये देखेगा इस। We are not funny, okay? फनी क्या, हम तो रियलिटी दिखा रहे हैं, रियलिटी। ये कल गई थी यो यो हनी सिंह के कॉन्सर्ट में। यस, एकदम जब वो हमें बोला ना कि सब लोग ऐसे मेरा नाम चिल्लाओ करके, तो उसने भी ऐसे चिल्लाने बोला यो यो हनी सिंह, सब ऐसे पूछ ले यो यो हनी सिंह, तो बोलते ऐसे नहीं यो यो हनी सिंह। ओनली ट्रू फैन नोस हाउ टू से यो यो हनी सिंह। इतना किसके फैन नहीं, किसी के लिए यहाँ इतना लंबा जाए, बट ठीक है। हनी सिंह का क्रास था, मतलब बहुत अच्छे गाने उसने गाए, डेफिनेटली बहुत हम नाचे, और वो सब पुराने गाने गा रहा था अपने। उसने बोला कि देखता हूँ तुम लोग कितना मुझे जानते हो, फिर उसने इतने पुराने पुराने सुने तो है ना, मैंने 4-5 गाने का नाम बता दे बस उसके, तो उसने सनी सनी गाया, आज ब्लू है पानी पानी, वो भी पिक्चर का है और वो भी उसका ऑथेंटिक गाना नहीं है। उसने
कौन सा गाया यार, मुझे याद नहीं उसका पांच गाना बजे देखे ये मनाली ट्रांस, वो भी पिक्चर का गाना है। एल्बम सिंगल्स बताओ। वो वो यार मेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, एक बता ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने, ये फर्जी फैन। उसके आगे फिर वो वही गा रहा था लुंगी डांस ये सब कर रहा था, वो सब तो मूवीज के ही हैं। तो क्या जानोगी हनी सिंह का ऐसा। अरे उसने बहुत पुराना गाना गाया, 10 साल पहले का कोई, तो बोल रहा था मेरा बहुत पुराना गाना है। ब्राउन रंग गाओ एक बार लोग शो कितना ही मिड समर चालू हो गया, मई का महीना है, बहुत धूप थी और थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मुझे लगा वहाँ पे कुछ ऐसे रेन डांस कुछ होगा, बट कुछ भी नहीं। अब मैं नेक्स्ट टाइम से जेन्युइनली होली पार्टीज जाना थोड़ा अवॉइड ही करूंगी, क्योंकि मुझे गीली होली पसंद है। आप लोग कमेंट्स में बताइए आपको होली सूखी पसंद है कि गीली वाली। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, कीचड़ में होली नहीं खेली कभी, नहीं मम्मी का साथ। तो कीचड़ में होली नहीं खेली, नहीं कीचड़ से होली कौन खेलता है, तुम लोग कीचड़ से होली खेलते हो, गटर में भी होली खेले। दैट इज सो बैड। पुराने वाला नाली याद है, विंग के बाहर नाली हुआ करता था, पानी भर जाता था उसमें तो सब एक दूसरे को लेटाते थे, तो गटर ही तो था वो। मैंने कभी कीचड़ वाली होली नहीं खेली। गटर में भी खेले, कीचड़ में भी खेले, बिस्लरी से भी खेले। इस टाइम तो माजा और स्प्राइट से खेल रहे थे बस हम लोग होली। अमीरी देख रहे हो गाइस, माजा और स्प्राइट से होली खेली जा रही है। माजा स्प्राइट और स्ट्रिंग ये तीन से होली खेल रहे थे, एक दूसरे पे डाल रहे थे। यस, चिपचिपा होता है ना तीनों। जी हां, कितने चिपचिपा रहा फिर माजा, अबीर माजा, कल यही चल रहा था हमारा। ये कैसे लोग होली में भी अलग अलग ट्रांजिशन घुसा रहे हैं टाइप्स ऑफ होली का। गाइस आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप में से कितने लोगों ने गटर में होली खेली है, और कितने लोगों ने सूखी होली खेली, और कितने लोगों ने गीली, और आपको कौन सी होली पसंद है। कोई लगा कैसे तुमको ये नाखून मारा, कोई कम मेरे पैर पे ध्यान, कोई नाखून मारा, कोई नाखून मारा तुमको पैर पे, पैर पे कौन नाखून मारता है, वो नाखून है, वो नाखून नहीं है, वो नाखून नहीं है, अरे वो नाखून नहीं है, ये नाखून नहीं है, नाखून नहीं है, नाखून नहीं है। और पैर पे कौन नाखून किससे मरवाता है, नहीं रहता दिमाग में पकाती रहती है। इसको बताओ, इसको कुछ नहीं जब आता है ना, तो ख्याली पुलाव बनाती रहती है अपने दिमाग में। खाली दिमाग शैतान का, ये है भी चुड़ैली प्लीज, तो मुझे पता है। अरे हाँ, तो तुमको नहीं बताना है, तुमको नहीं बताना है, पता लगा लो कितना टाइम लगेगा जमाना। चलो चलो कटो कटो, मैं पता लगा, ये देखिए बड़बड़ा चली जा रही है।